नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही शानदार कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, टोरेंट पावर के बारे में। यानी कि यह ग्रुप ऑफ कंपनी है, ये कंपनी पावर है, गैस है, फार्मा के सेक्टर में काम करती है और हजारों की मात्रा में हर साल IT, डिप्लोमा, BTEC और नॉन टेक्निकल की डिग्री के लिए यहाँ पे वैकेंसी रहती है, परमानेंट ये भर्तियाँ करती है। आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे किस हिसाब से इसके लिए आवेदन करना है। देखिए, ऐसा नहीं कि अभी इसकी वैकेंसी निकली हुई है और 15-20 दिन के बाद में आप आवेदन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसी के जरिए भर्ती करते हैं। तो वहां पे आपको अपना बायोडाटा किस हिसाब से सेंड करना है, आपको सारी डिटेल्स है, फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करना है वो मैं आपको बताऊंगा। जब भी कंपनी को जरूरत होगी तो कंपनी आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी, ठीक है। टोरेंट पावर के नाम से ये कंपनी है, इंडिया की लीडिंग कंपनी है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अपने बात करें इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में तो पावर जनरेशन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, ट्रांसमिशन के फील्ड में ये कंपनी काम करती है, ठीक है। और इसी हिसाब से गैस के फील्ड में, केबल्स के फील्ड में, फार्मा के फील्ड में हजारों की मात्रा में परमानेंट इंप्लॉइज की यह कंपनी भर्ती करती है। तो बात करेंगे किस हिसाब से आपको इसके अंदर आवेदन करना है। बहुत ही शानदार चीज है, सरकारी वैकेंसी तो देखिए आती रहती है, आवेदन भी करते हैं लेकिन उसमें सक्सेस रेट काफी कम होती है। लेकिन आज के समय के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वो क्या कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ चल रहा है, तो इस प्रकार की जो बड़ी कंपनी है इसके अंदर और भी ज्यादा बड़ी भर्तियां आने वाली है, तो आपको आवेदन करके छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए भाई अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले यहां पर वैकेंसी कौन कौन सी आती है और उसके बाद में पोस्ट नेम, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा आवेदन किस हिसाब से करना है। तो वहां पे आपको पोस्ट मेंशन करनी होगी, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट इंजीनियर्स है उनके लिए GET यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के नाम से वैकेंसी आती है। MBA वाले जो कैंडिडेट है, मैनेजमेंट ट्रेनी यानी कि MT आपको सेलेक्ट करना होगा आवेदन करते टाइम। CA के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी आती है मैनेजमेंट ट्रेनी की। और डिप्लोमा इंजीनियर्स है, आवेदन जब आप करोगे तो ऑप्शन के अंदर DET डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी आपको सेलेक्ट करना होगा। इसी हिसाब से IT वाले जो बच्चे हैं उनको टेक्नीशियन ट्रेनी शॉर्ट में TT आपको वहां पे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में और भी यहां पे वेरियस लेवल की पोस्ट है, नॉन टेक्निकल के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर, HR डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग में, बहुत सारी यहां पे वैकेंसी रहती है। अब बात कर लेते हैं आपको आवेदन किस हिसाब से करना है उसके बारे में। तो ये कंप्लीट आवेदन करने का फॉर्म है। तो देखिए कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको बताने वाली है, उन चीजों के बारे में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। देखिए कंपनी नेम है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये ग्रुप ऑफ कंपनीज है, तो आपको एक कोई कंपनी सेलेक्ट करनी होगी। टोरेंट पावर लिमिटेड है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में काम करती है। टोरेंट गैस लिमिटेड है तो ये गैस के फील्ड में काम करती है। टोरेंट फार्म ये फार्मा के फील्ड में काम करती है। टोरेंट केबल्स है ये केबल्स के फील्ड में काम करती है, ठीक है। तो इनमें से कोई एक आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है, जैसे कि टोरेंट पावर आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यूनिट सेलेक्ट करनी है, यूनिट का मतलब यह है कि आपको कौन सी यूनिट के अंदर आपको जॉब करनी है, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे अप्लाई दहेज जनरेशन प्लांट है उसके लिए मैंने अप्लाई करना, तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद डेजिग्नेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जैसे कि कोई IT वाला बच्चा, जैसे कि मैंने आपको बताया था TT यानी कि टेक्नीशियन ट्रेनी के नाम से वैकेंसी होगी, TT आपको सेलेक्ट करना है। डिप्लोमा वालों को DET और जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी है BBTEC वाले उनको GET सेलेक्ट करना होगा, तो मैंने TT यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद फंक्शन है, तो कौन से एरिया के अंदर आपको काम करना है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, सिविल है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोर है, सिक्योरिटी है, ठीक है। इनमें से जैसे कि IT वाले बच्चे मेंटेनेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन सोर्स यानी कि आपको कहाँ से इसके बारे में पता चला, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना, कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दो चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो सेकेंड ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट करना। एक्सपीरियंस वाले बच्चों को जॉब मिल जल्दी जॉब मिलने के चांसेज रहते हैं। तो मान लीजिए कि फ्रेशर्स में सेलेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद बिल्कुल सारी की सारी सिंपल चीज़ें जो कि आप ही के बारे में है, तो आप इनको आराम से फिलअप कर सकते हो। जहाँ पे स्टार लगा हुआ है वो सब चीज़ें वो आपको फिल करना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे MR सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, MR यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में फर्स्ट नेम है, ठीक है, उसके बाद में मिडल नेम है, लास्ट नेम है, ये सब चीज़ें। उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, सबसे पहले ईयर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और उसके बाद मंथ वगैरह सब चीज़ें आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद एज ऑटोमेटिक आ जाएगी, ये सब चीज़ें, जेंडर वगैरह, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पे आधार कार्ड नंबर वगैरह, ये सब चीज़ें कंपलसरी है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, देखिए रिज्यूमे यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन आ रहा था। रिज्यूमे आपका अच्छा होना चाहिए, रिज्यूमे के माध्यम से किसी कंपनी को पहले आपके बारे में पता चलता है। तो रिज्यूमे
अगर आपने अभी तक नहीं बना रखा है तो एक अच्छा रिज्यूमे किस हिसाब से बनाते हैं, उस पर मैंने एक ऑलरेडी बहुत ही शानदार वीडियो बना रखा है, एक एप्लीकेशन के माध्यम से आप जनरेट कर सकते हो अच्छा रिज्यूमे। उस वीडियो को लिंक मैं आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो उसको देख करके एक अच्छा सा रिज्यूमे आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। उसके बाद में अपना एड्रेस वगैरह या पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ है, उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, इंप्लॉयमेंट हिस्ट्री यानी कि आपके पास में एक्सपीरियंस है तो इंप्लॉयमेंट हिस्ट्री आपको फिलअप करनी होगी, फ्रेशर्स के लिए चीज़ नहीं है, उसके बाद मेडिकल हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें जो कि आप आराम से फिल कर सकते हो, मुझे पता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम अपने को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सब आपको फिलअप करने के बाद में फॉर्म वो सबमिट कर देना है। तो इनके एचआर डिपार्टमेंट के पास में आपका जो सारा डिटेल्स है वो पहुंच जाएगा, जब भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के हिसाब से इनको कैंडिडेट की जरूरत होगी तो ये आपसे कांटेक्ट जरूर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी वगैरह सभी चीज़ें इनको प्रोवाइड करोगे तो उनके माध्यम से ये कंप्लीट आपको मतलब क्या कि जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे और आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब भी आती है, उसकी भी आपको साथ में तैयारी करनी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की जो बड़ी कंपनियाँ हैं समय समय में भर्तियाँ करती रहती है, एक बार आपको आवेदन करने की जरूरत होती है तो वहाँ पर आपको आवेदन जरूर करना चाहिए। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको, यहाँ पर जो सभी कंपनियाँ ना अलग अलग कंपनियों के लिए आपको एक एक करके आवेदन कर देना है, अलग अलग यूनिट के लिए आपको यहाँ पे आवेदन करना है, चार पांच फॉर्म है वो आपको सबमिट कर देने, आधा घंटा घंटा का टाइम लगेगा, हो सकता है कि आपका भी कैरियर बन जाए। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको इस प्रकार की जो बड़ी कंपनियाँ उनमें परमानेंट जो भर्तियाँ आती है उनके बारे में मेरे को वीडियो लेके आने चाहिए या फिर केवल गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताना चाहिए, ये चीज़ आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। वीडियो को शेयर करके लाइक करके मुझे सपोर्ट जरूर करना। चलिए, थैंक यू।